हाय फ्रेंड्स, मैं आज आ गया हूँ एक आयचर ट्रैक्टर के शोरूम पे। ये है मालदा नारायणपुर में है, तो यहाँ पे पहला प्राइमा ट्रैक्टर है। आयचर ट्रैक्टर का जो प्राइमा मॉडल है पहला यहाँ पे अभी आया है नॉर्थ बंगाल में। तो अभी ट्रैक्टर के बारे में देखेंगे, ट्रैक्टर कैसा है, क्या है, क्या क्या फीचर्स है, और पुराना गाड़ी से नया गाड़ी का क्या क्या डिफरेंस हुआ है। तो चलिए आपको फिर दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहला चीज़ तो चेंज हुआ है इसका बोनेट। शानदार लुक और गजब का बोनेट, इतना हाइट पे बोनेट बनाया गया है। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइमा G3 का लोगो फ्रंट ग्रिल पे है। बोनेट का फ्रंट ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल पे आयचर बोनेट का लोगो, प्राइमा G3 का लोगो दिया हुआ है। यहाँ पे शानदार एक डिजाइन बना हुआ है, और साथ ही साथ इसका जो हेडलाइट है, हेडलाइट भी चेंज किया गया है। और पहले क्या होता था, पहले जो बोनेट था, बोनेट पहले इस साइड से खुलते थे, इस साइड से खुलते थे। अभी क्या होगा, अभी इसका बोनेट आगे से खुलेंगे। तो ये है बोनेट ओपन करने के लिए लॉक। ये लॉक अभी आपको हम खोल के दिखा रहे हैं कैसे इसका ओपन होगा। पहले एयर किनार को निकालना पड़ेगा ऊपर से। एयर किनार खुल गया है हमारा। उसके बाद जैसे इसको हम इधर करेंगे, ये बोनेट हमारा खुल गया। ये देखिए बोनेट खुल गया। खुलने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं इसका पोजीशन किस तरह से रहता है। और अभी इसको अगर लगाना है बोनेट को, तो यहाँ पकड़ने के लिए हैंडल दिया हुआ है। अब इसको पकड़ के नीचे उतारिए। उतारने के बाद इसको आप सीधे नीचे लगा दीजिए, तो ये आपका बोनेट लॉक हो गया, ये बोनेट और नहीं खुलेगा, ठीक है। और एक चीज़ बढ़िया चीज़ बना हुआ है, यहाँ पे है आपका जो फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक का यहाँ पे पहले कवर नहीं था, अभी इन्होंने कवर लगा दिया है। इस कवर को ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके लिए एक स्विच दिया हुआ है। इस स्विच को हम जैसे ही खोलेंगे, खींचेंगे, तो यहाँ पे फ्यूल टैंक का जो कवर, ये कवर खुल जाएगा। उसके बाद फ्यूल टैंक का कैप, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाया गया है, उसको लॉक करना है, तो इसको लगा दीजिए, तो ये लॉक हो गया। अभी हम लोग ड्राइवर सीट में बैठ गए हैं, देखते हैं ड्राइवर सीट के यहाँ से क्या क्या चेंजेस डैशबोर्ड में, स्टीयरिंग व्हील में चेंजेस क्या क्या हुआ है। देखिए पहले ये जो स्टीयरिंग व्हील था, ये बहुत काफ़ी डाया इसका बहुत ज़्यादा था, अब इसका छोटा कर दिया गया है। और बीच में आयचर ट्रैक्टर का लोगो, और यहीं पे है आपका हॉर्न का स्विच, आप लोग सुन पा रहे हैं हॉर्न का आवाज़। और साथ ही साथ स्टीयरिंग व्हील पे लगाया गया है एक स्टीयरिंग व्हील नब, क्योंकि इससे फिर घुमाने में ड्राइवर को आराम रहता है कहीं अगर जल्दी मुड़ाने के लिए। उसके बाद हम लोग अगर डैशबोर्ड में देखेंगे, तो डैशबोर्ड में आप लोग देख पा रहे हैं, इधर है आपका फ्यूल इंडिकेटर, आप लोग देख पा रहे हैं, साथ ही साथ ऑयल प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज, और इधर आ गया हमारा RPM मीटर, और साथ ही यहाँ पे आ गया आपका जो घड़ी है, टाइम, एक्चुअली जो टाइम देखने के लिए, और नीचे है कितना घंटा गाड़ी चला हुआ है उसका घंटा। और इसका ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आयचर का शानदार एक ब्रांडिंग किया गया है डैशबोर्ड के ऊपर। और यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, ये जो यहाँ पे जो घड़ी है, इस घड़ी का टाइम रीसेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे साइड में जो इसका हेडलाइट वगैरह है, ये पार्किंग लाइट हो गया, ये हेडलाइट हो गया, ये अपर डिपर का हो गया,
ये पूरा स्विच इसका है, उसके नीचे साइड इंडिकेटर भी दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे साइड इंडिकेटर, ये देखिए लाइट ब्लिंक कर रहा है। साइड इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही साथ एक हॉर्न का स्विच यहाँ भी दिया हुआ है। देख पा रहे हैं आप लोग, आवाज़ सुन पा रहे हैं, ये हॉर्न का स्विच यहाँ पे भी है और एक हॉर्न का स्विच यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के बीच में भी है। और इसका जो एक्सेलेटर रॉड है, हैंड एक्सेलेटर लीवर है, ये हैंड एक्सेलेटर लीवर का आप देख पा रहे, पहले ये प्लेन था, नॉर्मल था, अब इसके शानदार एक डिजाइन बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस डिजाइन को। उसके बाद ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील के अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक है आपका हजार स्विच, जो पार्किंग करने के टाइम पे ये इसको ऑन किया जाता है ताकि आगे पीछे चारों लाइट ब्लिंक करता रहे। और उसके बाद है वर्क इन होम, ये स्विच का क्या काम है ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे है कट ऑफ लीवर, जो फ्यूल कट ऑफ लीवर गाड़ी को बंद करने के लिए चाबी यहाँ पे लगाने के लिए है, यहीं से आपका गाड़ी का स्टार्ट और स्टार्ट करने के लिए चाबी यहाँ पे लगाने के लिए जगह बना हुआ है। और ये पूरा जो है ये पूरा प्लास्टिक का है, जो डैशबोर्ड के नीचे जो कवर बना हुआ है ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। वर्किंग होम ये क्या है, जैसे हम इस स्विच को ऑन तभी करेंगे जब हम कस्टमर, जब गाड़ी पूरा दिन चलाने के बाद रात में अगर कस्टमर लौटता है घर पे, तो उस समय क्या होता है, ट्रैक्टर घर पे अंदर खड़ा नहीं करता, तो बाहर खड़ा करता है, तो उस समय क्या होता है, घर जाने के लिए तो उसका लाइट चाहिए होता है, तो उस समय क्या करना है, इस स्विच को हम दबा देंगे चाबी ऑन रख के। इस स्विच को हम अगर दबा दिया, एक बार दबाने के बाद चाबी को मैंने ऑफ कर लिया, ऑन करने के बाद ये हमारा देख पा रहे हैं, ये हमारा हेडलाइट ये जला रहेगा, आप लोग देख पा रहे हैं ये हेडलाइट जला हुआ है। तो ये कम से कम 41 सेकेंड माने मतलब 41 सेकेंड ये जलता रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अभी आप लोग देख पा रहे हैं 41 सेकेंड तक ये कंटिन्यू जलता रहेगा, तब तक कस्टमर अपने घर तक पहुंच जाए या रास्ते में घर के आगे कोई कीचड़ हो, अंधेरा हो, उससे बच के आराम से कस्टमर अपने घर तक पहुँच सकता है इस स्विच के द्वारा। तो इसको वर्किंग होम ये स्विच बोलते हैं। बहुत सारे ट्रैक्टर रिव्यू में बहुत सारे ये सारे चीज़ें नहीं दिखाया है उतना खास तरीके से। ये देखिए अभी ये लाइट बंद हो गया, ये 41 सेकंड तक ये जलता रहेगा, उसके बाद मैंने चाबी निकाल ली हूँ पहले, अभी भी मैं चाबी अब देख पा रही हूँ, हमें चाबी लगा नहीं है अभी भी, उसके बाद भी मैं अगर इसको अगर दबाऊँगा तो ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने दबा दिया, अभी दिखा देता हूँ एक बार, ये आपका हेडलाइट और ऑन नहीं होगा जब तक चाबी नहीं लगाएंगे। चाबी लगा के एक बार ऑन करके चाबी ऑफ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक 41 सेकंड तक जलता रहेगा। यहाँ पे दिया गया है हीट सेल कवर ताकि कस्टमर को हीट ना लगे, और बाकी ये एडजस्टेबल सीट यहाँ पे दिया हुआ है, पार्किंग ब्रेक यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे एक शानदार चीज़ दिया हुआ है ये लेग गार्ड, ताकि इंजन से गर्म हवा इधर कस्टमर ड्राइवर साइड में ना आए। और दूसरा चीज़, अगर गाड़ी जब कीचड़ पे चलता है तो कीचड़ कस्टमर की तरफ ना आ जाए। काफ़ी अच्छा खासा हाइट किया है, और इसके साथ देख पा रहे हैं आप 551 5 स्टार। पीछे दिखाता हूँ, पीछे इस तरह का इतना खास चेंजेस नहीं हुआ है, पानी बोतल दूसरे गाड़ी में भी वही थे, ट्रिपिंग ट्रॉली के लिए सॉकेट, पावर लाइट जैसे नॉर्मल गाड़ी में आता है सेम टू सेम इसी गाड़ी में भी दिया हुआ है, टूल बॉक्स पहले जैसे नॉर्मल गाड़ी में आता था वैसे सेम टू सेम मारगार्ड में माउंटेड किया हुआ है, और ये लोगो पूरा कलर अच्छा लग रहा है। और
जैसे नॉर्मल गाड़ी में फोर व्हील ड्राइव का जो लीवर रहता है वही सेम टू सेम है। यहाँ पे थोड़ा और एक चीज़ किया है, जैसे पार्किंग ब्रेक में यहाँ पे लॉक दूसरे टाइप का था, अभी ये प्लेट टाइप का कर दिया है। और बैटरी बॉक्स से नॉर्मल गाड़ी में जैसा होता है ऐसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। लुकिंग ग्लास में थोड़ा माउंटिंग में थोड़ा चेंजेस है नॉर्मल गाड़ी से। ये आर एन नॉट टायर के साथ आता है फ्रंट और पीछे वाला टायर 14 नॉट टायर के साथ। चलिए और पूरा डिटेल में वीडियो हम बनाएंगे, कौन सा क्या क्या फीचर्स है, वो कैसे काम करता है। और मैं पूरा एक राउंड दिखाता हूँ, जैसे ये प्राइमर गाड़ी है और यहाँ पे देख सकते हैं फोर नॉर्मल गाड़ी, आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। इसका हाइट और इसका हाइट आप लोग देख सकते हैं कितना हाइट इसका बढ़ाया हुआ है। इसका बोनेट का जो चौड़ाई है और इस नॉर्मल गाड़ी का बोनेट का जो चौड़ाई है आप लोग देख पा रहे हैं। तो मैं पूरा डिटेल में भेजूंगा आगे और एक वीडियो बनाऊंगा मैं पूरा डिटेल के साथ। ये 551 और एक 4WD और ये है टू व्हील ड्राइव 551। ये नॉर्थ बंगाल में पहला डीलर है जो प्राइमा डीलर प्राइमा गाड़ी अभी यहाँ से सेल होगा। ये डीलर ओपन हो रहा है नारायणपुर करके एक जगह है मालदा में, वहाँ पे शोरूम ओपन हो रहा है। अभी शोरूम पूरा तरीके से अभी चालू नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी भी पूरा अंदर शोरूम डेकोरेशन का काम चल रहा है। शानदार गाड़ी है, क्या कलर है, कलर चमक रहा है बिल्कुल। आप लोग जरूर बताइएगा आपको प्राइमा गाड़ी कैसा लगा और क्या क्या आपको अच्छा लगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपसे मिस ना हो और तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।